Hey everyone, this is GM Inter Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Olive Board. स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में. अगर आप लोग सुन सकते हो, देख सकते हो, सब ठीक है तो एक बार मुझे बताओ एंड वील स्टार्ट द सेशन देन. शैल वी स्टार्ट इट? ओके, सो होपफुली इट स्टार्टेड, इजंट इट? चलो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी सेशन की शुरुआत में, एक एक बार सेशन को जरा आप लोग क्या कर दो, शेयर कर दो. ओके, और मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, अगर सब कुछ क्लियर है तो बताओ भाई. सूरज मिश्रा, किस चीज के बारे में? आर यू आस्किंग अबाउट सम काइंड ऑफ कोर्स? एवरीथिंग गुड? ग्रेट, चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ, बढ़ते हैं, ठीक है. एनीवे, एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ, तुम लोग आंसर किए थे, मैंने देखे दो तीन आंसर्स थे. सही बता रहे हो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, कल दो तीन लोगों के आंसर्स थे. ऑल दो सेशन जो है सही से अपडेट नहीं हो पाया था, बट फिर भी आई हैड सीन कुछ लोगों के आंसर्स थे. ठीक है, चलो सब कुछ वापस आ गया है, शुरू करते हैं अपने सेशन को, हम लोग बढ़ते हैं. और कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, पहले उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में. ओके, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा था, ये न्यूज एक्चुअली कल डिस्कस नहीं थी, मैं बाद में देखी. सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये कितने किलोवाट का बनने वाला है. तो आंसर ये विल बी व्हाट? द आंसर ये विल बी 50 किलोवाट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. कोल्ड रिस्पांस 2022, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शंस में आपके क्या थे? नाटो, ONGC, UN और नन. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका नाटो. नाटो ने जो है अभी अभी ऑर्गेनाइज किया था कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, इसको ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नाटो की, नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये एक संस्था है जो कि आपकी बेल्जियम के अंदर स्थित होती है. अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या हो, यही है कि जितने भी ऐसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ओके, उन्हें और कॉम्बैट एली अपनी स्ट्रॉन्ग करने की. साथ में अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि हाल फिलहाल में कौन सी न्यूएस्ट मेंबर है आपकी नाटो के अंदर, तो जो न्यूएस्ट होती है ये होती है नॉर्थ मैकेडोनिया. ठीक है, अब एक और बात को याद रखे रहो, ये जो नॉर्थ मैकेडोनिया है ये कब ज्वाइन की थी? ये थी 2020, ये इनकी यंगेस्ट कह लो या न्यूएस्ट मेंबर. ओवरऑल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं. तो एग्जाम में अगर आप लोगों को कन्फ्यूज करता है, कन्फ्यूजन में मत आना, सिमिलर आपका वॉशिंगटन ट्रीटी भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सी कंट्री भी हॉटेस्ट प्लेस बनी है पूरे अर्थ में और रिकॉर्ड किया इन्होंने 53.2 डिग्री टेम्परेचर? ऑप्शंस भी हमारे सामने था, इराक, सिंगापुर, कुवैत या कुछ नहीं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कुवैत. कुवैत हमारे पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा गर्म देश, गर्म जगह देखने को मिली है, 53.2 डिग्री टेम्परेचर. एक और भी बात इसके साथ में कही गई थी कि आने वाले टाइम में, या कह सकते हो इस सदी के अंत तक, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि कैपिटल सिटी में ऐसे निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. ना सिर्फ वर्ड्स बट सभी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कैपिटल सिटी में ऐसे निकलना भी. ओके, नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सुजलम 2.0 कैंपेन? ऑप्शन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन. आपसे पूछे जा रहा है कि इन्होंने लॉन्च किया है, सिग्नेटरीज की हम बात कर ले, लॉन्च करने वाली आपकी कौन थी? हाँ, लॉन्च करने वाली आपकी जल शक्ति मंत्रालय थी, लेकिन इनके साथ में 9 बाकी मिनिस्ट्रीज इसमें क्या थी? सिग्नेटरीज थी.
ठीक है, तो इसकी 9 सिग्नेटरीज थी और बाकी लॉन्च करने वाली आपकी थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका बेसिक एम क्या है, किस चीज़ के मैनेजमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है? कोई भी ऐसा जो मुझे बताए, वॉट इज द बेसिक एम? जल लीजिए, तुम लोग भी ऐसा बताते हो। या सो इसको बेसिकली जो लॉन्च करा है वो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, हाँ ध्यान रखे रहना, इसके लिए लॉन्च किया गया था। ओवरऑल कितनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? 9 मिनिस्ट्रीज इसमें सिग्नेटरी मेंबर्स होंगी इनकी। ठीक है, अगला देखो, पेमेंट एनालिटिक को लॉन्च किया गया है किस पेमेंट बैंक के द्वारा? ऑप्शंस देख लो, नन, कोटेक, फोन पे या पेटीएम पेमेंट। ओके, सो अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हाँ, इसका आंसर होगा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी भी क्या लॉन्च किया था? पेमेंट एनालिटिक्स। पेमेंट एनालिटिक्स से किसकी मदद करने को कही थी? पेमेंट एनालिटिक्स से इनका बेसिक जो मदद करने का मकसद था वो था जो भी SMEs हैं हमारे वहाँ पर। इसका आंसर होगा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के फिलहाल CEO कौन है? Anyone who can answer, who is the current CEO of पेटीएम पेमेंट बैंक? बताते चलो, मुझे एक आंसर मिला अभी तक, विजय शिखर शर्मा, ग्रेट। अगला देखो, फ्लिपकार्ट के फोन पे ने अक्वायर किया है 100% स्टेक किस कंपनी के अंदर? अमेजोन, गिग इंडिया, बोथ और नन। भूल गए गजनी, यस, कल हमने पढ़ा था फ्लिपकार्ट द्वारा ओन किया हुआ फोन पे, इन्होंने अभी अभी अक्वायर किया था 100% स्टेक किसके अंदर? गिग इंडिया के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा गिग इंडिया। अमेजोन के अंदर अगर ये एक्वायर कर लिया तब समझ जाओ क्या ही होगा। अमेजोन पूरे विश्व की दूसरे सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी है और फ्लिपकार्ट अगर अमेजोन के सारे स्टेक्स को एक्वायर कर लिया तो समझो किस पोजीशन पर होगा फ्लिपकार्ट। अगला देखो, कोटेक और कौन मिल करके, आंसर ही लिखा हुआ था आपके सामने, खैर कोटेक किसके साथ में मिल करके 7.84% स्टेक ONDC में एक्वायर करने को कहा है? तो ये इन्होंने एक्सिस के साथ में करने को कहा है। ठीक है, कोटेक और एक्सिस मिल करके 7.84% स्टेक अक्वायर कर रहे हैं ONDC की। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट देख लो, नहीं ये नहीं क्योंकि ये हमने कल किया नहीं था। वेयर डज एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 वॉज ऑर्गेनाइज? ठीक है, तो ये जो सुरक्षा कवच 2 है इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था? बेसिक इनका जो एम था वो था काउंटर टेररिज्म। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हो, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अभी, यस, जैसे हम लोगों को कल याद आ रहा था लूला नगर। ठीक है, तो ये लूला नगर पुणे के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी पुणे। ओके, चलो थैंक यू, चलो घर जाओ सब लोग, नहीं रुको, आज के सेशन को करते हैं। ठीक है, कल किसका किसका पेपर है? एनीवन हु इज हैविंग हिज और हर एग्जाम टुमारो, या एंड वन मोर थिंग, सॉरी, तुम लोगों को अब तक मेरा व्हाट्सएप का इंटरफेस इतना दिख गया होगा, इतनी बार ये मेरा इंटरफेस चला है। एनीवे, जो भी ऐसा है जो प्लान कर रहा है ऑलिव बोर्ड से कोई भी कोर्स खरीदने का, आप लोग सीधा सीधा ऑलिव बोर्ड के पेज पर आ सकते हो। यहाँ पे आपको तमाम कोर्सेज हैं जो दिखेंगे, आपके हिसाब से अलग अलग कोर्सेज डिजाइंड है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो बाई सब्जेक्ट बाई फैकल्टी, इससे भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, नाउ यू विल हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। लाइक अगर आप लोग आने वाले टाइम के लिए SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या अगर आपने RBI असिस्टेंट के लिए किया है, ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाय एग्जाम बाय सब्जेक्ट बाय फैकल्टी। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स सर्च कर सकते हो, एक बार करोगे उसके बाद से फर्दर आप लोग उस पर जाओगे, क्लिक करोगे। लाइक अगर मैंने यहाँ कहा कि आप में से किसी को SBI क्लर्क का एग्जाम देना है और वो SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप यहाँ जाओ, अपना मीडियम चूज करो, इज इट इंग्लिश और इज इट SBI क्लर्क, ऐसे आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है,
मान लो आप यहाँ पर आते हो बायलिंगुअल, यहाँ पे आपको देखेंगे सारी की सारी क्लासेस, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मेरा अनलॉक्ड है आपका लॉक्ड होगा, उसके बाद से आपको सीधा सीधा क्या करना होगा, बाय करना होगा। याद रखिएगा कि कभी भी जब आप लोग बाय करते हो उस केस में आप लोगों का जो कोड होना चाहिए, कोड आपका क्या रहेगा, कोड रहेगा आपका मैडम का नाम, और मैडम का नाम क्या है, मैडम का नाम है सुष्मिता। तो मैंने जैसा आपसे कहा, दिन बदलेंगे, साल बदलेगा, मौसम बदलेगा, लेकिन कोड वही रहेगा, ठीक है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपके कोड में सुष्मिता नाम रहेगा, यही नाम रहना चाहिए, ठीक है। इसका यूज करो, इससे आप लोगों को एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, और थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दो। ओके, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूं, और यहां पे मेरे पास में एक मैसेज आ गया कि मेरे स्टूडेंट की पहली सैलरी आई है। ऐसे तुम लोगों का भी मैसेज आया, और तुम लोगों को ऐसे ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूं जैसे इसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूं। ओके, उसके बाद तुम लोग भी मेरे पास में मिठाइयां भेजना। चलो बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ, और देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। उसके पहले एक और मोटिवेशन, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ESICC की तैयारी कर रहा है, तो वो चाहे इस क्रैकर कोर्स को अवेल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस क्लासेस होंगी, 160 प्लस मेंस मॉक होंगे, स्पेशल कवरेज GA और इंश्योरेंस सेक्शन का मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, एक कोर्स खरीदोगे आप लोग, बायलिंगुअल इंग्लिश मीडियम बैच, कोई भी आप चाहो उसे अटेंड कर सकते हो, अप टू यू, आप लोगों की सुविधा पर होगा। ओके, एंड या वन मोर थिंग, कि अगर आप लोग कभी भी कोई भी कोर्स खरीद रहे हो, देखो ऐसे तो आपको 40% मिल रहा है ना, क्या फ़ायदा 40% का, अगर आप 45% ले सकते हो, लेकिन 45% के लिए आपका कोड होना चाहिए SUSHMITA, ठीक है, इसको लगाना होगा आपको। ये है हमारा आज का मोटिवेशनल कोड, बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। अगर आप लोग कभी फेलियर नहीं जाने हो, तो आप लोग कभी सक्सेस नहीं जानोगे। बट ऑब्वियस है यार, अगर आप सोच रहे हो आप पहली बार कोई एग्जाम दिए और आप सक्सेसफुल हो गए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप तैयारी मत करो, आपको अरे यार नहीं पहली बार मुझे सक्सेसफुल नहीं होना है, मैं अगली बार हूँगा, इस बार मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये भी नहीं है कि भाई पढ़ो ही मत, ना पढ़ेंगे ना सक्सेसफुल होंगे, ये ठान के मत बैठो। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप फेल हो गए आप सक्सेसफुल कैसे हो गए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि यार अभी फेल हुए हैं, कल को हम कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई कुछ नहीं करा सकता है। अगर आपने अपने मन में बैठा लिया है कि नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल है। सबसे ज़रूरी होती है सेल्फ मोटिवेशन, और अगर आपको लग रहा है कि आज आप फेल हो, याद रखो कल आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, क्योंकि इन सारे के सारे फेल्योर से आपको कुछ नया लेसन मिल रहा है, और आप कुछ नया करने की चाहत रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा, अच्छा हमने तो ये गलती की थी। अगर आप होपलेस होकर बैठ गए हो कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक डिफरेंट केस है। इसलिए अपनी गलतियों से हमेशा सीख लो, उनको लेकर के निराश मत हो और हताश मत हो, खुश रहो और आगे जाते रहो, बिकॉज इवेंचुअली आपका सिलेक्शन होना है, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर कोई क्या करेगा, ठीक है, वही है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी वेरी मच कॉशियस एंड वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप लोग कर सकोगे। जो क्वेश्चन एग्जैक्टली वो ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि फिर हमें याद रहेगा अरे ये तो हमने गलत किया था, इसका सही आंसर ये है, एक्सप्लेनेशन उसकी याद हो जाती है। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं चीज़ों को। बढ़ा जाए आज की खबर की तरफ। सबसे पहली खबर है हमारी क्या, सबसे पहली हमारी खबर है हरियाणा का एंटी कन्वर्जन बिल। कुछ दिन पहले हुआ था, हरियाणा ने एक ड्राफ्ट पास किया था कि हमारे वहाँ पे एंटी कन्वर्जन बिल पास होगा। अभी इन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल अपनी पास कर दी है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एंटी कन्वर्जन बिल एग्जैक्टली होती क्या है, इसका यूजेस क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग समझे एंटी कन्वर्जन बिल को, देखो क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, और एंटी कन्वर्जन बिल क्या है। अभी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी फ्रॉडुलेंट मैरिजेस दिखती हैं, ठीक है, या लोगों को धोखा दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंटी कन्वर्जन के नाम पे। कई लोग कहते हैं उसे मॉनिटरी बेनिफिट दी जाएंगी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करने को कही गई हैं। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये बिल पास कराई जा रही है। कुछ दिन पहले अगर हमको याद हो, इन लोगों ने अपने एंड से पास कराया था, कौन सा, देखो हरियाणा स्टेट असेंबली ने अब पास कर दिया है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022।
किसके लिए? ताकि कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन, किसी भी मतलब ऐसी आप लोग दिखाओ, किसी को लालच दे रहे हो या कोई फ्रॉडुलेंट मीन से कराना चाहते हो, ये ना कर सको, इसको बंद किया जा सके। इसका एम यही है कि कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन बंद कर सके, किसी की मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कोई अलेवमेंट के थ्रू या कोई फ्रॉडुलेंट के थ्रू, ये सब बंद हो सके। इसके अलावा कौन कौन से और स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसे सिमिलर बिल पास किए अपने वहाँ पे? एक तो याद रखे रहिएगा आप लोग, कर्नाटका होता है, फिर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखे रहो, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने वहाँ पर ये सिमिलर बिल पास करी हुई है ताकि एंटी कन्वर्जन रहे, और हाँ ताकि एंटी कन्वर्जन बिल हो। और हाँ एक और भी बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि बंद ना, मतलब आप लोग कह सकते हो कि किसी को फंसा करके और उसकी रिलीजियस ना कन्वर्ट कराओ, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने किया, क्या नीड है कह सकते हो आप लोग, जो एक वर्ड होता है प्रोसेलिटाइज, ये कम किया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अपने देश में, ठीक है। सभी के पास अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से किसी भी जाति धर्म को मान सकते हैं, जैसे हमारी संविधान में लिखा हुआ है कि आप जिस जाति धर्म को चाहो मान सकते हो, आपके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ज़बरदस्ती दबाव उस पर मत बनाओ किसी चीज़ की। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक बीच लव जिहाद बहुत ज़्यादा चला हुआ था, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आती रहती हैं जिसपे कहीं ना कहीं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। खैर नॉट जस्ट लव जिहाद, उसके अगेंस्ट भी बहुत, उसके एंटी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नॉट जस्ट वन, एक ही रिलीजन से नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं लोग। तो एक बात और याद रखिएगा, जो SC है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन लिए थे, इन्होंने कहा था कि ये हमारे वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कभी भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी के, ठीक है। यस, अब देखो इस बिल, अगर ये बिल पास हो गया तो इससे होगा क्या, इस बिल के हिसाब से अगर कोई भी अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है अपने मन मुताबिक, लेकिन अलाउ नहीं किया जा रहा है उसे, तो वो फोर्स नहीं आप कर सकते हो कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, ठीक है, उसके ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते हो अपने मन मुताबिक, दैट इज़ अनदर थिंग। पर्पज़ इसका यही है कि जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन है इसको बंद किया जा सके, कि तुम उस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ उसमें, ये सब बंद हो सके थोड़ा। इसके अलावा 127 FIR रिलीजियस कन्वर्जन के लिए रजिस्टर किए गए थे 6 districts में पिछले 4 सालों में। जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है असेंबली में 4 मार्च को, और साथ ही साथ में इसको कंसिडरेशन के लिए लिया गया था यहाँ की असेंबली के द्वारा। इस बिल के मुताबिक अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो पाया गया वॉलेंटरली कन्वर्ट होते हुए, तो इसे सबमिट करना होगा एक डिक्लेरेशन अपने कन्वर्जन का वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी रिलीजियस प्रीस्ट या कोई भी और बंदा जिसका इंटेंशन है कि वो एक कन्वर्जन ऑर्गेनाइज करे, उसके लिए भी उसको एक नोटिस देना होगा। आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो, इसी का एक सिमिलर कॉपी भी आपको फर्दर देना होगा जो ऑफिस होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी बंदा अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको अपना ऑब्जेक्शन भी देना होगा 30 दिन के भीतर उस कन्वर्जन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या ये कन्वर्जन इसके मन मुताबिक हो रहा है या कुछ फोर्स किया जा रहा है, जैसा कि कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 3 में है। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन पाया जाता है तो ये जो कन्वर्जन होगा उसको रोक दिया जाएगा, ध्यान रखे रहना। साथ ही साथ में इसमें पनिशमेंट्स भी हैं, अगर आप लोग किसी को ज़बरदस्ती कराने की कोशिश कर रहे हो रिलीजन कन्वर्ट, तो उसके लिए लोगों को पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अपने वहाँ पर, तो जो हमारी संविधान है, हमारी संविधान में जो आर्टिकल 25 होता है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25 कहता है क्या, ये गारंटी करता है लोगों को कि आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से अपना रिलीजन। क्योंकि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एंटी कन्वर्जन बिल, तो आप लोगों को आर्टिकल 25 को याद रखना चाहिए। ये सारे के सारे रिलीजियस सेक्शन को क्या करेगा, अलाउ करेगा कि आप लोग अपने अफेयर्स, अपने मैटर ऑफ रिलीजन अपने एंड से देख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 25 आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 15 याद होगा, एक मूवी आई थी, आर्टिकल 25 इज़ रिलेटेड टू योर रिलीजन, आप अपने हिसाब से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है क्या कोई सेंट्रल लेवल पे ऐसी लॉ है जो ऐसी चीज़ को रोकती हो, तो सेंट्रल लेवल पे कोई ऐसी लॉ नहीं है फिलहाल में, कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, ओके। हाँ भाई, अब एक और दो और बातों को हम लोग याद रखे रहे कि क्या क्या बेसिकली इश्यूज होते हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोग एक तो क्या कह सकते हो, एक तो यही कह सकते हो कि फ्रॉडुलेंस बहुत हो रहा है, फिर आप लोग कह सकते हो कि अल्योर करके कराया जा रहा है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इन्हीं सबको रोका जा रहा है इसके थ्रू। फिर हम लोग अगर बात कर लें कि कौन कौन से स्टेट ने पास किया, तो जैसा मैंने आपको बताया, एक याद रखे रहो आप लोग कर्नाटका, इसके अलावा याद रखे रहो अरुणाचल प्रदेश, साथ में क्या याद रखे रहो छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा,
और उत्तर प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने वहां पर एंटी कन्वर्जन बिल को पास करा रखा है। ओके चलो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, आगे बढ़ा जाए। हाँ अच्छा, एक और बात, चूंकि हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट मैरिज, मैंने आपसे तब से एक बात कही है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान का आर्टिकल जो 21 है, इस आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने मन मुताबिक शादी कर सके। तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, जो आर्टिकल 21 होता है ये राइट देता है टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज इंटीग्रल। ठीक है, यही आपका आर्टिकल 21 है, इसको जरा आप लोग ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे आपको जो दो संवैधानिक तौर पर चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, एक आपका आर्टिकल 25 है और दूसरा आपका आर्टिकल 21 है। ओके हाँ, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखे रहो, आगे बढ़ा जाए हम लोग। व्हाट इज योर एज मैम, क्यों मेरे एज से क्या होगा, व्हाट इज माय एज, मैं नहीं बताऊंगी, कभी भी लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछते हैं, पता नहीं है तुम्हें। चलो अगला देखो, अगला हम देख सकते हैं, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 100 साल बता दिए, हाँ एनाबेल हो गई हूँ मैं। चलो, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सबसे पहले अपन लोगों को समझना होगा कि सरफेस टू सरफेस है क्या। सरफेस टू सरफेस का बेसिक मतलब होगा कि आप लोग इसको लॉन्च कर सकते हो ग्राउंड से, और ये हिट करेगा क्या हिट करेगा, लैंड या सी टारगेट को हिट करेगा। तो यही आपका सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस में आपके, आप इसे लैंड से हिट करोगे और ये जो इसके टारगेट होंगे ये भी ये लैंड या उसमें और सी में हिट कर सकता है। जरा पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर इसमें काफी कुछ डिस्कशन के लिए मिल जाएगा। मैम योर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे देखो भाई, ये साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल, सॉरी ये ग्रुप है, चैनल क्या हुआ है, चैनल है मेरा, आप हाँ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। ओके सुदीप, और मैं अगर आपसे उम्र में सीनियर हूँ या जूनियर हूँ, इससे क्या हो जाएगा, क्या इससे कुछ भी फर्क पड़ता है आपकी तैयारी पे या आपके सिलेक्शन पे। ओके तो देखो, जैसे हम देख सकते हैं, इंडिया ने अभी अभी क्या किया है, इंडिया ने अभी अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अंडमान निकोबार के अंदर, जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है। इन्होंने अपनी टारगेट को हिट किया है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, जैसा हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये हमारे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के प्रेजेंस में इसकी टेस्ट फायरिंग की गई है। ओके अब जरा कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं, रेंज क्या है। तो जो रेंज है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जो रिसेंटली अभी एक्सटेंड कर दिया गया 500 किलोमीटर तक, कैसे, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कि क्या मिसाइल में और कोई चेंज हुए थे, नहीं, और कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ था। अब अगर हम लोग कुछ एडिशनल बातें भी कर लें, तो जो ब्रह्मोस है ये कॉन्ट्रोवर्सी में अभी अभी था, जब एक मिसाइल को मिस फायर कर दिया गया था, क्या हुआ था, हम लोगों ने गलती से पाकिस्तान में एक मिसाइल गिरा दी थी, गलती से मिस्टेक हो गया था, इसके बाद से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था ये। जो मिसाइल लैंड हुई थी पाकिस्तान टेरिटरी में, वहाँ पे कुछ डैमेज भी की थी वहाँ की प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट जो है, लेकिन किसी को कोई मतलब किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ था इससे। इस इंसिडेंट के बाद से इंडिया ने एक लेटर भी भेजा था पाकिस्तानी अथॉरिटी को, ये तो आप लोग कहानी पूरी जान ही गए होंगे क्या क्या हुआ था। ब्रह्मोस की हम बात करें तो जो ब्रह्मोस है ये वर्सेटाइल ब्रह्मोस होता है। ठीक है, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है और रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म से। ये जो मिसाइल है इसका जो टॉप स्पीड है ये है Mach 2.8, जो कि नियरली 3 times होगा स्पीड ऑफ साउंड का। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक्सटेंडेड रेंज है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, ये हिट कर सकता है टारगेट 400 किलोमीटर तक दूर। साथ ही साथ में इसको इंक्रीज किया जा सकता है एग्जिस्टिंग 290 किलोमीटर तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी होंगी। ओके अब अगर हम लोग हल्की और बातें कर लें रिलेटेड टू सरफेस सरफेस टू सरफेस मिसाइल से, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक मिसाइल जो आप लोग सरफेस से हिट करोगे और उसका टारगेट भी सरफेस या सी टारगेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि पहली बार जो ऑपरेशनल आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल था इसका नाम क्या था, पहली बार जिसको टेस्ट किया गया था इसका नाम था V1 फ्लाइंग बॉम्ब, इसको सबसे पहली बार ऑपरेट किया गया था। और ये जो हम देख रहे हैं V1 फ्लाइंग बॉम्ब, इसको ऑपरेट किया था किसने, नाजी जर्मनी ने, वर्ल्ड वॉर के अपने टाइम पर नाजी जर्मनी ने पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया था।
अब एक और बात आप लोग याद रखे रहिए कि भारत में इसके अलावा कितने और सरफेस टू सरफेस इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं। सरफेस टू सरफेस की मैं आपसे बात कर रही हूँ, रेंज के साथ अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो इधर देखो, ये आपके DRDO के मिसाइल हैं। अगर मैं सीधी सीधी आपसे केवल और केवल सरफेस टू सरफेस बोलूँ तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी। पृथ्वी आपकी सरफेस टू सरफेस होती है और इसका जो रेंज होता है ये होता है अप्रॉक्स 150 से 500 किलोमीटर तक, ठीक है। अगली कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, अग्नि। अग्नि का जो रेंज होता है ये होता है 700 से 5000 किलोमीटर तक का। देन आपको क्या याद रहे, निर्भय। निर्भय भी आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका रेंज क्या होता है, सुपरसोनिक रेंज में होती है 1000 किलोमीटर तक की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्मोस जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, और इसके अलावा क्या होता है आपका प्रहार। जो प्रहार है इसका रेंज होता है लगभग 150 किलोमीटर। ये आपकी इंपॉर्टेंट सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं जो भारत के अंदर हैं। अगर हम लोग ब्रह्मोस की बात थोड़ी सी कर लें, हाँ, तो ब्रह्मोस जो है ये आपका किस अलग अलग वेरिएंट्स में है। सबसे पहले तो ब्रह्मोस आपका एक सरफेस टू सरफेस लॉन्च करता है मिसाइल्स। अगला क्या, अगला ये अपना शिप वेरिएंट्स लेकर के आता है, और इसके अलावा एयरबोर्न वेरिएंट्स। ये तीन अलग अलग टाइप के मिसाइल्स ये लॉन्च कर चुका है फिलहाल, सरफेस टू सरफेस, शिप वेरिएंट और एयरबोर्न। इन तीनों को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मोस क्या है, हमारे वहां पर ऑपरेट कर रहा है ब्रह्मोस, और कह सकते हो आप लोग की, हाँ, ब्रह्मोस हमारे वहां पे ऑपरेट कर रहा है। और एक बात आप लोग बस ध्यान रखे रहो कि ये हमारे वहां पे जो मिसाइल्स बना रहा है ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स बनाता है। पूरे विश्व में जो फास्टेस्ट मिसाइल्स हैं वो इंडिया और रशिया के ही पास में, इसको भी ध्यान रखे रहना, बिकॉज अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से, इजंट इट। हाँ, कब से इन्होंने अपनी सर्विस शुरुआत की है, तो इनकी जो सर्विस की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2005 से, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या याद रखना होगा कि इसका यूजेज कौन से मिलिट्री फोर्सेस करती है, इंडियन नेवी करती है, इंडियन आर्मी करती है, और आपकी इंडियन एयरफोर्स करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिलिपीन नेवी है वो भी अगर ऑर्डर करती है तो उसको भी हम लोग ये अपने एंड से एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। ब्रह्मोस का नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्र और मोस्क, दोनों नदियां हैं, मोस्क रशिया के अंदर है, ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर है, इन दोनों को मिलाकर के ब्रह्मोस नाम पड़ा है, ओके। हाँ भाई, डिजाइनर कौन कौन होता है, तो एक आपकी होती है DRDO और दूसरी होती है NPU, वो आपकी रशिया की होती है, ये इसके डिजाइनर्स हैं, ठीक है। कितने यूनिट से इसको शुरू किया गया था, कितने यूनिट कॉस्ट से, $5 मिलियन की इसकी यूनिट कॉस्ट है फिलहाल में, ठीक है। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, एवरीथिंग ओके, चलो अब जरा अपन लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे सामने वो सारे मिसाइल्स हैं जिन्हें DRDO ने बनाया, जैसे आप देख सकते हो पृथ्वी, ब्रह्मोस, शौर्य, प्रनाश, K4 न्यूक्लियर, निर्भया, अग्नि, आकाश, अग्नि 5, ये सब के सब DRDO ने बनाया है। और ये जो मैंने आपको मिसाइल्स बताई हैं ये सब की सब सरफेस टू सरफेस इंडियन मिसाइल्स हैं, ठीक है। चलो अगला देख लें अपन लोग। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं तो अभी भी क्या किया गया है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है आयुर्वेद का रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस आप लोग समझते होगे, है ना, रूमेटॉइड की हम बात करते हैं तो कह सकते हो आप लोग जोड़ों में दर्द होना, सूजन, जकड़न, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो सब जोड़ों के आपके दिखाए हुए हैं फोटोज में, आपको क्लियर होगा यही आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इन्होंने लॉन्च किया है विश्व का पहला मल्टी सेंटर, इसका थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च किया गया है जो कि एसेस करेगा आयुर्वेद की एफिकेसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। की पॉइंट क्या हमें याद रखे होंगे, जो भी यहाँ पे ट्रायल हो रहा है ये इंटरनेशनल काउंसिल हार्मोनाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, कुछ उसके अलावा नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रायल है इसको मॉनिटर किया जाएगा डेनियल एरिक फर्स्ट, ये विश्व के सबसे ज्यादा जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट हैं जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को आप लोग पहले तो याद रखे रहो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डॉक्टर डेनियल एरिक के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन है या कहाँ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये रूमेटोलॉजिस्ट हैं सबसे ज्यादा जाने माने। अगर कुछ डेटा की हम बात कर लें तो मई 2022 जो स्टडी है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बिगिन करेगी और कंप्लीट करेगी अपनी स्टडी को अगले 2 साल के अंदर,
जो सैंपल साइज होगा इस स्टडी का, इसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 गुना, और 240 पेशेंट तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है 48। यानी जो क्लिनिकल ट्रायल होगा, इसकी जो भी सैंपल होगी, इसको मई में शुरू करेंगे लोग पढ़ना, और अगले 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद से जो मल्टी सेंटर बन रहा है। इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो सैंपल साइज होगा, इसको 5 गुना कर दिया गया है। पहले केवल 48 पेशेंट्स का लिया जा रहा था सैंपल साइज, लेकिन अब 240 पेशेंट्स का लिया जाएगा। 3 locations पे इनका क्लिनिकल ट्रायल होगा। क्यों मैं आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि अब आपसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों आपको जगह को भी याद रखना होगा। खैर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हम बात करें तो फाउंडेशन कब हुई थी, 9th of November 2014 को। हेड ऑफिस कहाँ होता है, न्यू दिल्ली। क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि फिलहाल में हु इज हैविंग द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का चार्ज किसके पास में है? ओके, एक आंसर मुझे आया राहुल से, आयुष मिनिस्टर इज मिस्टर सोनोवाल। एनीवन एल्स? हाँ, इसका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल जी। ये यहाँ के क्या है अभी फिलहाल में, ये यहाँ के चीफ हैं जिन्हें ये पोस्ट मिल रखी है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है, 21st of June को। कब से शुरू हुआ है, शुरू हुआ है आपका 2014 से। ओके, 2014 से इसको शुरू किया गया है। योगासन चैंपियनशिप होने वाला है। अब मुझे बस एक छोटी सी और चीज़ बता दो, योगासन चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाला है? योगासन चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगा? ऋषिकेश? मे बी नहीं, श्योर बताओ। चलो मैं अपनी अगली खबर पे चलती हूँ। अगली खबर में हम लोग पढ़ सकते हैं, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास लेवल सिटी फॉरेस्ट बनाने को कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। जो दिल्ली सरकार है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने अभी अभी आदेश दिया अपने ऑफिशियल्स को कि हमारे वहाँ पर 17 सिटी फॉरेस्ट जो कि कैपिटल में है, इनको सिटी फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास लेवल में कन्वर्ट करो। क्यों ये लोग इतना वर्ल्ड क्लास लेवल में जा रहे हैं, क्योंकि इनका अपना विजन है 2047 का, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये दिल्ली को बदल देंगे और बदल करके बिल्कुल इसे वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंचा देंगे, सिंगापुर की तरह से इसे बना देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो फिलहाल में इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट है, 17 सिटी फॉरेस्ट को ये क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे वर्ल्ड क्लास लेवल के अंदर। ओके, हेलो डियर, हाउ आर यू। देखो अगर हम थोड़ी इसकी बातें जाने तो लगभग 3,000 acres लैंड में और 17 locations में दिल्ली में इसको बनाया जाएगा। 15 दिन के अंदर एक प्लान बनाया जाएगा जो कि फर्दर सबमिट करेंगे, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। अब ये देखिएगा, अलॉन्ग विद 17, ये जो 17 सिटी फॉरेस्ट हैं, 5,000 पार्क्स भी बनाए जाएंगे दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इस आपकी योजना भी आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना कौन से राज्य सरकार की है, या ये किसको रिलेट करती है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग कई बार बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ की है, फिलहाल में ये आपकी दिल्ली की है। इसके अंडर क्या किया जाएगा, 1500 पार्क जो कैपिटल में है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, और इसको शुरू किया जाएगा 450 रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में मिलकर के। टारगेट ये है कि 16,828 पार्क को टारगेट करे हमारी दिल्ली सरकार, जिनको सर्वे भी किया गया हुआ है फिलहाल में। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो पार्क्स ये बनाने को कहें, इसमें क्या करेंगे, इस पार्क्स में CCTVs लगवाएंगे, लाइटिंग होगी, टॉडलर्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्ले एरिया होगा, ओपन एयर जिम होगा, जॉगिंग वॉकिंग की होगी सुविधा, फिर वाटर बॉडीज होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ होगी। मतलब अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा है तो तुम जाके वहीं सो जाना, बहुत बढ़िया पार्क है। खैर छोड़ो ये सब, बहुत ही शानदार सा पार्क बनने वाला है, दिल्ली में बनने वाला है, और दिल्ली के आपके प्रधानमंत्री कह रही हूँ, चीफ मिनिस्टर जो होता है ये होते हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके बैजल साहब, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका दिल्ली के अंदर। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी दिल्ली से मत रखो, बहुत ही बढ़िया जगह है, घूम के आओ एक बार, बस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने देखा था तो 30 likes थे, अभी 29 हो गया, तो जिसने भी लाइक किया होगा वो सोचा होगा अरे देखते देखते लाइक दब गया, हटाओ हटाओ, या अगर कोई ऐसा होगा जो देखते ही आया होगा अचानक से, सोचा होगा अरे लाइक दब गया जल्दी से डिसलाइक मारो, ठीक है। खैर डिसलाइक मार के क्या कर लोगे, दिखेगा तो है नहीं डिसलाइक, तो लाइक ही कर दो, 30 था 30 का 30 कर दो, इससे ज़्यादा ही कर दो। ओके
में बच्चों चलो दिल्ली रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बातें कर ले। शुक्रिया शुक्रिया, पता नहीं डियर कोई तो डिसलाइक करता है डियर, थोड़ा शेयर वेयर कर दो डियर, इसकी आबादी बढ़ा दो। चलो दोस्तों अगली बात अगर हम लोग दिल्ली से रिलेटेड कुछ बातों को देख लें तो सबसे पहले याद रखे रहेगा दिल्ली में हमारे पूरे भारत का सबसे पहला स्मोक टावर शुरू किया गया है। ठीक है, दिल्ली पूरे विश्व की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है, पॉल्यूटेड सिटी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पॉल्यूटेड कैपिटल है। ठीक है, एक और बात को याद रखिएगा, यहाँ पे माई ईवी पोर्टल शुरू किया गया है। क्या किया गया है? माई ईवी पोर्टल ये भी इधर शुरू किया गया है। अब माई ईवी पोर्टल की हम बात करते हैं तो ताकि लोग रजिस्ट्रेशन करा सके अपनी ईवीज की, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में शुरू हुआ है। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। फिर श्रमिक मित्र स्कीम, ये लोग लास्ट ईयर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए लाए थे। ठीक है, क्या था? श्रमिक मित्र। ओके चलो अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मीनवाइल किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? यहाँ पे देखो आईएमडी क्लाइमेट हजार्ड ई बुक एंड वल्नरेबिलिटी ई एटलस, इसको लॉन्च किया गया है। आओ देखते हैं। तो अभी अभी एक ई बुक जिसका टाइटल है क्लाइमेट हजार्ड और वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु, इसको लॉन्च किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब होता है आपका? 23 मार्च को होता है। इसी के सेलिब्रेशन में एक ई बुक लॉन्च की गई है, इसका नाम आप लोग देख सकते हो। इसका नाम क्या है? क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु। जो खास बात है वो ये है कि जो नई लॉन्च एटलस है वो आपको यहाँ मिल जाएगी और इस ई एटलस की मदद से डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज की मदद होगी कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकें स्टेट्स के अंदर अगर कोई भी ऐसा हजार्ड होने वाला है या अगर कोई भी ऐसी कुछ होने वाला है। एक साथ में ये भी बात याद रखी रहेगा कि एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी हुआ था इसके लॉन्च इवेंट के दौरान और ये जो है इस पर किया गया था, मतलब बेसिकली क्या इनका फोकस था, बेसिक इनका फोकस यही था कि हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग अर्बनाइज्ड रिवर बेसिन में कैसे कर सकते हैं। एक एग्जीबिशन भी होस्ट किया गया है आईएमडी के द्वारा। तो हम लोग जो ये तब से पढ़ रहे हैं आईएमडी जो कि ये सब कुछ कराया है। आईएमडी है क्या? आईएमडी आपके वहाँ पर मौसम विभाग वाला काम कह सकते हो आप लोग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम करता है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, हमारे भारत का ही है, जो कि कभी भी फोरकास्ट वेदर करना हो या आप लोग आप कह सकते हो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हो, सीस्मोलॉजी, इसमें वर्क करता है। ठीक है, ये आपका आईएमडी का काम होता है। इसके साथ में ये भी देखिएगा आईएमडी के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहपात्रा। और हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली में। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मृत्युंजय मोहपात्रा को किस एक नेम से बहुत फेमस है ये? कोई भी अगर बता सकता हो तो बताइएगा। इसके साथ में एक और बात देखिएगा कि इसकी कुछ रीजनल ऑफिस भी है। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, नागपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और गुवाहाटी। यहाँ पे इसकी क्या होती हैं? यहाँ पे इनकी और रीजनल ऑफिस भी होती हैं। ओके ठीक है बच्चों, इतनी तो हमने बात करी, अब थोड़ी सी और बातें कर लें कि क्या हमारे देश में ऐसी कोई और भी किताब है जिससे हम लोग को प्रीवियस वार्निंग मिल जाती है। तो एक तो आप लोग याद रखिएगा कि अपने वहाँ पर कुछ दिन पहले हेडक्वार्टर बताया, तो हेडक्वार्टर की तरह देखो सामने सामने तो बताया अभी अभी मैंने, है ना? हाँ देखो, अभी अगर हम लोग कुछ मौसम वौसम से रिलेटेड बातें कर लें तो सबसे पहले याद रखे रहेगा कि जो नासा है ये केप कैनेवरल से कुछ दिन पहले गोस टी सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? गोस टी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट। गोस टी सैटेलाइट क्या होता है? अभी हाँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल पे भी आते हैं, जो अभी फिलहाल में कर रहे हैं इसको सुन लो तुम लोग। गोस्टी को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। गोस्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। कहा गया था इसको लॉन्च किया गया तब इसका नाम गोस्टी है। जैसे ही इसको ऑर्बिट में पोजिशन कर दिया जाएगा इसका नाम गोज 18 कर दिया जाएगा। इसका मकसद है कि अगर कोई भी वेदर हैजार्डस कुछ ऐसा आने वाला हो तो उसके बारे में पता चल सके। तो एक तो ये आप लोग याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि जो अभी अभी हमारे वहाँ पर जो आपके आईटी रोपार है, आईटी रोपार के कुछ रिसर्चर्स ने एमबी टैग लॉन्च किया था। ये जो एमबी टैग होता है ये भारत का पहला टेम्परेचर डेटा लॉगर है। तो ये दो पॉइंट्स को आप लोग याद रखे रहो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग बहुत दिन से ऐसी कोई रिविजन नहीं किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहो। अगर हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं इसके बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी होती है, किसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। काम क्या होता है, काम इसका वही होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एटमॉस्फेरिक रीजन में बढ़ाया जा सके। हेड ऑफिस की हम बात कर लें तो हेड ऑफिस कहाँ होता है, वहीं जहाँ सबका होता है, यानी कि जिनेवा। ठीक है, सबका नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनका जिनेवा में होता है, तो इसका भी जिनेवा में होता है। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम क्या होता है, डेविड ग्रिम्स, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। और साथ में क्या आप लोग याद रखे रहोगे, WMO हम सभी को पता है, इस तरीके से बोलते हैं। कब इनको बनाया गया था, तो जो इनकी स्थापना की गई थी, फाउंडेशन हुई थी, ये 23 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, कब, 23 मार्च 1950। इसी से 23 मार्च को हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जो मैंने आपको कई दिन से बता रखा है। ठीक है, 24 को क्या होता है, TB डे होता है, तो ये भी ध्यान रखे रहना। चलो अगली बातें करते हैं, तो ये ज़रा आप देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। देखो दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं, जो UN का WMO है, अभी अभी हमने देखा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो हमने अपने देश के लेवल पे देखा डिजास्टर रिलेटेड इवेंट्स, सॉरी डिजास्टर रिलेटेड वार्निंग वगैरह के लिए एटलस आपकी आई है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पर WMO ने अपने एंड से क्या किया, WMO का गोल है क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक प्रोजेक्ट अभी अभी अनाउंस किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं पूरे विश्व भर में, उन सभी को एक अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम दिया जा सके अगले 5 साल के अंदर, ताकि अगर कभी भी नेचुरल डिजास्टर्स होता है तो लोगों को पता चल सके। जैसा हम देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा अभी फ्रीक्वेंट हुआ है, जैसे शुरुआत में ही होंगा तोंगपा का एरप्शन हुआ, उसके बाद से अभी आपने देखा होगा पिछले एक दो दिन पहले की बात है, कहाँ पर आई थी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1100 झटके 24 घंटे के अंदर लगातार आए थे भूकंप के। फिर जापान में इतनी आई है भूकंप आपकी 7.3 मैग्नीट्यूड की, तो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गए हैं नेचुरल डिजास्टर्स। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, रोक कैसे सकते हैं, रोक नहीं सकते हो आप लोग, अपने एक्शन से हम लोग कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज पे फोकस करके, ताकि उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन लोगों को हम लोग अर्ली साइन वार्निंग दे सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपको एक वार्निंग मिल जाए जिससे आप उस जगह को क्या कर सको, छोड़ सको और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सको। तो इन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे जितने भी लोग हैं हमारे पूरे विश्व भर में, उन्हें एक अर्ली साइन वार्निंग दे दिया जाएगा। इसका एसोसिएशन किससे होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। एम होगा कि जो भी प्रोजेक्ट है इससे अलर्ट सिस्टम तैयार किया जा सके, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में है, बहुत सारी कंट्रीज में तो है लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में नहीं भी है, क्योंकि अगर हम देखें अर्थ पॉपुलेशन, तो बहुत ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं, और इन लीस्ट डेवलप्ड में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। 60% जो लोग हैं ये अफ्रीका लैक कवरेज में रहते हैं, जिनके पास में कोई भी किसी भी तरीके की आप लोग नहीं जानोगे वार्निंग सिस्टम होती भी है, तो ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इंडिया में बात करती हूँ, क्या इंडिया में कोई वार्निंग सिस्टम है, इंडिया में दो इंपॉर्टेंट वार्निंग सिस्टम है, एक तो आपका लैंडस्लाइड और फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है, लैंडस्लाइड और फ्लड वार्निंग सिस्टम, ओके। और ये जो लैंडस्लाइड और फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है, ये हिमालयन रीजन के लिए लॉन्च किया था CSIR ने, हिमालयन रीजन के लिए किसने लॉन्च किया था, CSIR ने। ठीक है, एक तो हम लोगों को ये याद रखना होगा, इसके अलावा क्या याद रखना होगा, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो एक और होता है सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे कम नेचुरल डिजास्टर्स के खतरे होते हैं, खतर, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, ये तुम लोग मुझे बताओ। यूनाइटेड नेशन हम सभी को पता है, इनकी फाउंडेशन हुई है 24th of October सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US में, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क US से होता है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, फाउंडर्स आप लोग देख सकते हो US, इंडिया, UK, फ्रांस, ब्राज़ील और बाकी भी तमाम देश थे, ओके। हाँ भाई, चलो अब ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक एक्सपीरियंस मेरा भी 2015 में था, उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं बस एक विश रिसीव की थी, फिर पूरा बेड बिल्कुल हिल रहा था, तो मैं अपनी माँ की बताई एक कहानी याद कर रही थी, उससे रियलाइज़ कि इट इज़ अर्थक्वेक। एनीवे, तो मेरे बर्थडे के दिन ही वो अर्थक्वेक आया था। खैर, अब देखो ज़रा अगली खबर, डेयर टू एरेट TV प्रोग्राम फॉर WGS TV सर्विलांस, ओके। ये ज़रा अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि ये क्या होता है। अभी भी लॉन्च किया गया है डेयर टू इरेट TV प्रोग्राम वर्ल्ड TB डे 2022 पे।
इसको अनाउंस किया गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। खास बातें इसमें क्या हैं, इसको जो भी इसकी डेटाज हैं वो भारत भर में होगा। फिर एक जीनोम सिक्वेंसिंग कंसर्शियम शुरू किया जाएगा अपने वहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट जो है इन्होंने कैपेसिटीज इंक्रीज कर दी हैं ताकि टीबी का टाइमली जो है इलाज किया जा सके। इसके अलावा जो कैपेसिटीज़ हैं पूरे देश भर में उसको भी बढ़ाया गया है ताकि हम लोग अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीबी की प्रॉपर सर्विलांस कर सकें। इतना क्यों फोकस कर रही है हमारी देश की सरकार, क्योंकि टीबी पूरे विश्व भर में जितनी होती है उसका 26% केस केवल भारत के अंदर होता है और ये एंडेमिक जो है सबसे ज़्यादा इसका बर्डन भारत में है, ऐसा WHO की एक रिपोर्ट ने कही थी। क्योंकि इतनी भयानक तरीके से अपने देश में टीबी है तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार बहुत सारे अपने से स्टेप्स ले रही है। एक और भी बात को ज़रा आप लोग दिमाग में रखे रहना कि सरकार का एम है कि टीबी को 2025 तक ख़त्म कर सके, ऐसा सरकार अपना एम की थी। लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे हमारी सरकार बहुत सारी काम कर ही नहीं पाई कि वो उसको ख़त्म भी करे। खैर इधर देखो, टीबी की हम बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बेसिकली लंग को इन्फेक्ट करता है। इंडिया का मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है ये टीबी है। 192 केसेस में से जो टीबी है ये हर 100,000 पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया था कि सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक पूरे विश्व में भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ज़रा आप लोग याद रखे रहेगा। टीबी डे कब होता है, टीबी डे होता है आपका 24th of March को। मैंने आपसे क्या बताया था, 22, 23, 24 को याद रखे रहो। वाटर मेट्रोलॉजिकल टीबी WMTC से याद रखे रहो, क्योंकि ये तीनों डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगातार मार्च में होते हैं ये। ठीक है, कुछ और अगर डिजीज डे हम बात कर लें तो एक और भी चीज़ को आप लोग ज़रा अपने दिमाग में याद रखे रहिएगा कि रेयर डिजीज डे ये हर साल फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल कब था, 28th of February। इसके अलावा लेप्रोसी डे 30th of January। ओके, इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे जो होता है आपका ये 15 फरवरी, कैंसर डे 4 फरवरी। ये सारे पॉइंट्स को भी ज़रा ध्यान रखे रहना। ओके चलो अगला देखो, मॉन्स्टर मिसाइल हुआसोंग 17 ये कौन लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है किम जोंग अन ने। उन्होंने मतलब वो लॉन्च नहीं किया, उनकी देश ने लॉन्च किया है। वो करारा जवाब देना चाहते हैं USA को, हम किसी से कम नहीं, इनका एटीट्यूड है। तो ये क्या है, ये एक आप लोगों की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा करके अपने टारगेट को हिट कर सकती है। बैलिस्टिक का मतलब है इस तरीके से जाना। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। अभी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसको नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है। ओके, अपनी किम जोंग उन के कहने पर किया है। ठीक है, इन्होंने नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर वॉर डिटेरेंट है इसको भी बेहतर करने को कहा है ताकि कहीं ना कहीं ये US को बता सके कि भैया हम भी कम नहीं है, हम भी अपने वहाँ पर इसकी टेस्टिंग किए हुए हैं। तो US सैंक्शंस वगैरह लगाता है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हो तो हम लोग ऑलरेडी बहुत क्या हैं, हम लोग अपने एंड से अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। पहली बार प्योंगयांग ने जो है अभी अभी इसको फायर किया है अपने वहाँ पर पूरे रेंज में 2017 के बाद से। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको जब अभी टेस्ट किया गया है अपीयर्स टू हैव ट्रेवल्ड हायर एंड फर्दर देन एनी प्रीवियस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाई न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो कितनी भयानक क्या रेंज होगी इसकी। इधर देखो, अगर हम लोग इसकी लॉन्च देख लें, जो टेस्ट लॉन्च है ये न्यू टाइप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की हुआसोंग 17 कंडक्ट किया गया था डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ लीडर किम। इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्रैवल किया है लगभग एक ऑल्टीट्यूड जिसकी रेंज 6 to 48.5 किलोमीटर तक ही, और जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया था दैट वाज 1090 किलोमीटर फॉर 4052 सेकेंड बिफोर एक्यूरेटली हिटिंग द प्री सेट एरिया इन ओपन वाटर्स। बहुत बड़ी चीज़ है ये। द मिसाइल लैंडेड इन जापानीज टेरिटोरियल वाटर्स प्रॉम्प्टिंग एंगर फ्रॉम टोक्यो, बट KCN ने सेड द लॉन्च हैड बीन कैरीड आउट इन अ वर्टिकल लॉन्च मोड इन कंसिडरेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। तो वही है कि नेबरिंग कंट्रीज की सिक्योरिटी में इसको क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। हुआसोंग 17 जैसे आप देख सकते हो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली बार इसको अनवील किया गया था 2020 में और इसको मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है एनालिस्ट के द्वारा। देखा ही आपने क्या क्या इसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या खूबियाँ तो होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हुआसोंग। अगर हम लोग कुछ बातें कर लें रिलेटेड टू आर्म्स, बिकॉज सिप्री वाली रिपोर्ट में आपके साथ में डिस्कस नहीं कर पाई थी, मुझे लगा क्यों ना अगर हम लोग आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें रिविजन के साथ साथ में,
तो सबसे पहले याद रखे रहेगा कि जो सिप्री यानी स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये संस्था अपने वहाँ पर इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट लेकर के आई थी, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021, ये अपने वहाँ पर लेकर के आई थी। अब इसकी कुछ खास बातें, इसके हिसाब से इंडिया और सऊदी अरेबिया पूरे विश्व की सबसे बड़ी इम्पोर्टर्स हैं आर्म्स की, और ये अकेले मिलकर के पूरे विश्व में जो आम की सेल हो रही है ये 11% अकेले ही खरीद ले रहे हैं दोनों मिलकर। इंडिया के बाद आपकी इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना थी, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। इजिप्ट 5.7% इम्पोर्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया 5.4% और चाइना 4.8% इम्पोर्ट करा है, ठीक है। साथ में क्या याद रखना होगा कि जो 85% इंडिया का ओवरऑल वो था, आप लोग कह सकते हो कि ओवरऑल जो इनका इंपोर्ट था ये कहाँ से था, ये आपका ज़्यादातर रशिया से था, ठीक है। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग तो ये 46% था जो हमने रशिया से इंपोर्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज रशिया अभी यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर चल रहा है, तो केवल रशिया से हमने 46% वेपन्स जो है लिए हैं। रशिया के बाद आता है फ्रांस, देन USA, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो ये तो सोचना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑब्वियसली USA ही करेगा, तभी तो वो कभी चाहता ही नहीं है कि वॉर ख़त्म हो। सबसे ज़्यादा USA एक्सपोर्ट करता है, अकेला 39% करता है, इसके बाद में रशिया करती है 19%, फिर फ्रांस, चाइना, जर्मनी। इंडिया का नंबर एक्सपोर्टर्स में 23rd पे था, ठीक है। चलो नॉर्थ कोरिया के बारे में यहाँ पे आपके सामने लिखा है, चूंकि वासोंग नॉर्थ कोरिया का है वो लिखा हुआ है। प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, और यहाँ की करेंसी क्या होती है, वन। एक बात बताओ, साउथ कोरिया की करेंसी क्या होती है, क्या कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? डीपली एक्सप्लेन करा दो डियर, डियर इसमें मैं क्या करा दूं डीपली एक्सप्लेन, तुम बताओ क्या ऐसा करा दूं डीपली एक्सप्लेन। नाम में भी तुम्हारे कुलदीप डीप। चलो अगला देख लेते हैं, तो अगला जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, सियोल वहां की वो होती है, कैपिटल होती है साउथ कोरिया की, करेंसी वन होता है, ठीक है। कोरियन ड्रामा मैं नहीं देखती हूँ, मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता है, बाकी जो टाइम मिलता है मैं उसमें कोरियन ड्रामा नहीं देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है इसमें से कौन कौन है, मतलब बहुत सिमिलर फेसेस कई के बार लगते हैं, टाइम भी नहीं मिलता है बहुत सारे रीजन से। चलो इधर देखते हैं, गवर्नमेंट ने अभी अभी 1 trillion इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग टारगेट सेट किया है DFI 2022-23 का, ठीक है। क्या है, बातें करते हैं, तो जो हमारी केंद्र है इन्होंने कहा है कि हम लोग 1 trillion सरकार द्वारा नाफिट बनाई गई है उसके लिए लोन सैंक्शन किए हैं, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले सत्र में इतना दे सके। की पॉइंट की हम बात करें तो जो गवर्नमेंट बैंक आपकी नाफिड है, ये अपना ऑपरेशन, मतलब बेसिकली क्या है कि केंद्र ने कहा है कि हम लोग 1 trillion नाफिट को देंगे ताकि वो लोन सैंक्शन कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर। नाफिट को बनाया गया था, नहीं मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी चाय की दुकान खोलनी है और कुछ नहीं, और चाय की दुकान ऐसा नहीं कि किनारे लगा दे खड़ी होकर चाय बेच रही हूँ, ऐसा वाला नहीं, वो डिफरेंट चाय की दुकान है, ये मत सोच लेना। बिकॉज मैं एक बार एक लोगों से बोली तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि यहीं पे एक लोगों को लगा दूँ चाय के लिए, वो साथ में पान पुकार गुटखा भी देगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे चाय की दुकान नहीं खोलना चाहती हूँ, तो ये वाले मत सोचना। खैर हाँ, न्यू बैच है आपकी वही जो करंट अफेयर्स वाली चल रही है, तो उसको सॉरी जो आपकी अभी जीरो टू हीरो चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उसमें हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो उन्हें, ठीक है। डिग्री कौन सी करी है, मेरी डिग्री है M.Com। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, तो नाफिट जो है, नाफिट को लाया गया था पिछले साल अक्टूबर में, ला दिया मतलब पास हो गया था सब, इसको बनाया गया था कि अपने वहाँ पर क्या किया जाए, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लोन दिया जा सके और अपने वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा किया जा सके, ठीक है। ये इनका बेसिकली एक मकसद था कि इसलिए नाफिट लाया जाए। नाफिट को फिलहाल में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी ला दिया गया है,
केंद्र ने कहा है कि हम लोग 1 ट्रिलियन का टारगेट सेट किए हैं ताकि लोन सैंक्शन किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए नाफेड द्वारा अगले सत्र के अंदर। ठीक है, इसमें जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो गवर्नमेंट बैंक्ड नाफेड है ये अपना काम अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू कर देगी। इसको लाया गया ताकि हमारे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसमें तेज़ी से फंडिंग की जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्शन प्लान भी प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि जो नई बनाई हुई आपकी DFI है ये ऑपरेशनलाइज कर सके 1 ट्रिलियन टारगेट को अपनी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। जो गवर्नमेंट है इन्होंने इसके अंदर 20,000 करोड़ इक्विटी के तौर पर दिया है और एक एडिशनल 5,000 करोड़ भी ग्रांट किया है नाफेड को। सेंटर ने यह भी कहा है कि एडिशनल आउटगो 13,050 करोड़ का रहेगा जिससे ट्रांसफर किए जाएंगे 20,000 करोड़ DFI को सप्लीमेंट्री डिमांड के अंदर। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। ओके, खैर एडिशनल फैक्ट आप लोग यहाँ देख सकते हो। अक्टूबर पिछले साल सरकार ने अपॉइंट किया था KV कमत को नाफेड का चेयरमैन। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे वहाँ जो DFI है इसके थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अच्छी कर सकेंगे क्योंकि हर सेक्टर के लिए एक ना एक संस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई ऐसी डेडिकेटेड संस्था है बहुत लेकिन कोई उस तरीके से वर्क नहीं है, तो नाफेड को कहा जा रहा है ये शायद वैसा कर सके। DFI जो है इसे 10 साल का टैक्स कंसेशन दिया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म फंड कर सके प्रोवाइड ऐसे प्रोजेक्ट जो हों। इस इंस्टीट्यूशन को जो है कहा जा रहा है ये मार्केट मेकर होगा जिससे बॉन्ड मार्केट को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, चेयरमैन यहाँ पे कौन होंगे? KV कमत होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो नाफेड है ये आपका क्या होगा, ये नाफेड आपके वहाँ पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह से वर्क करेगा। ओवरऑल अभी तक हमारे वहाँ 4 थे, NHB, नाबार्ड, एग्जिम, SIDBI, ये 4 थे। अब जो 5वां आया है ये कौन सा है? ये है आपका नाफेड। ओके, हाँ ये आपका नाफेड है। नाफेड क्या करेगा? जैसे एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, NHB नेशनल हाउसिंग के लिए है, नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज, नाफेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं यहाँ से। जितनी भी AIFI होती हैं इन सभी को भी अपने वहाँ पे CRR SLR मेंटेन करना होता है। इसमें से जो NHB है, NHB का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? जुलाई टू जून होता है। ये उसके हिसाब से अपने CAR को मेंटेन करेगी। CRR SLR नहीं, CAR, Basel III इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना मेंटेन करना होगा? 9% CRAR या CAR और इसके अलावा 2.5% CCB। ठीक है, चलो तो ये हमारी आज की खबरें थी। अब जरा आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्या है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है कितने का इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग टारगेट DFI के लिए 2022-23 में? 2 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है मॉन्स्टर मिसाइल वॉसोंग 17? जर्मनी, फिनलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। जो लॉन्च किया जा रहा है डेयर टू इरेट TB प्रोग्राम, ये किस दिन लॉन्च किया गया? वर्ल्ड TB डे 2021, 2022, TB अवेयरनेस कैंपेन या कुछ भी नहीं? किसने अभी भी अनाउंस किया है क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम? UN, WMO, बोथ और नन? क्लाइमेट हजार्ड ऑफ वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? UNDP, IMD, WHO या नन? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है वर्ल्ड क्लास लेवल सिटी फॉरेस्ट? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। किसके द्वारा विश्व का पहला क्लिनिकल ट्रायल आयुर्वेद का रिमेटॉइड आर्थराइटिस लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आयुष, एजुकेशन, होम अफेयर्स। ब्रह्मोस मिसाइल रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया इंडिया का सरफेस टू सरफेस कहाँ पर? अंडमान निकोबार, गुजरात, महाराष्ट्र, बे ऑफ बंगाल। एंटी कन्वर्जन बिल किस स्टेट द्वारा पास किया गया है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। किस स्टेट द्वारा शुरू किया गया? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या कुछ भी नहीं? तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना। और ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है GACAY सुष्मिता मैम, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोगों को डेली PDFs वगैरह मिल सके। कोई भी अगर आप में से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ऑलिव बोर्ड का तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप लोगों को एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा। फिर मिलेंगे हम लोग, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।